एक लैंडस्केप और नेचर फोटोग्राफर का लाइफ हमेशा ना बंजारा वाला रहता है। मैं नेचर भी ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर नेचर और लैंडस्केप आप करते हैं तो आप घर बैठे तो कभी फोटो उठा नहीं सकते। आपको हमेशा आउटडोर्स पे जाना पड़ेगा जहाँ पर ग्रीनरी रहेगा, माउंटेन्स रहेगा, मतलब नेचर का एलिमेंट्स रहेगा, तभी आप एक अच्छा लैंडस्केप कर सकते हो या फिर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हो। चाहे वो नेचर का कोई भी एलिमेंट उठाना हो, या बर्ड्स हो गया, या प्रॉपर वाइल्ड लाइफ हो गया, या फिर लैंडस्केप हो गया, और मैं तो दोनों ही हूँ भाई। हाँ, मैं ज़्यादा कंसिडर ये करता हूँ कि मैं एक लैंडस्केप फोटोग्राफर हूँ, लेकिन मेरा जो रुचि है वो वाइल्ड लाइफ पे भी अभी बहुत लीन करते जा रहा है और मैं उसको एन्जॉय भी बहुत कर रहा हूँ। तो उसी को शूट करने के लिए आज मैं फिर से आ गया हूँ नेचर के कुछ बर्ड्स के एक्टिविटीज़ को कैप्चर करने के लिए। मेरे पीछे जो जगह है एक कॉमन जगह है, मतलब आई थिंक 15-20 दिन पहले मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त के साथ आया हुआ था और यहाँ के जो बर्ड्स के एक्टिविटीज़ को देख के ना आई वॉज कम्प्लीटली मस्मराइज्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये प्लान किया तो इसके लिए तो एक वीडियो बनता ही है भाई। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित। आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम अपने एक बर्ड फोटोग्राफी का सेशन। I would say I'm still absolutely new to this field of photography, जो कि bird photography है। और मैं still अभी भी कुछ birds देखता हूँ तो confusion में रहता हूँ कि इसका नाम क्या होगा। हालाँकि मैं देख देख के पूछ पूछ के नाम भी जानने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे ही अभी मुझे कुछ दिखा वहाँ पर बाया वेबर्स जिसको कहा जाता है, उन लोगों का घोंसला दिखाई दे रहा है। तो उसको शूट करने के लिए हम लोग जा ही रहे थे और तब पता चला कि सामने वाला रास्ता पूरा कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, मतलब कीचड़ वाला रास्ता, अभी तो जाना बहुत मुश्किल हो गया। बेसिकली आपको बता दूँ, बाया वेबर्स है ये पाम ट्रीज़ या डेट के जो ट्रीज़ में होते हैं, ये अपना घोंसला बना के रहते हैं और उल्टे लटक के रहते हैं। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, मैंने पिछले वाले सेशन में एक फ़ोटो तो लिया ही हुआ था, लेकिन अभी ये फ़ोटो उठाने के लिए बहुत मज़ा लगते हैं क्योंकि ये लोग का एक्टिविटी हमेशा चलता रहता है घोंसले के ऊपर। मतलब कहीं से उनका सामान लेके आना, घोंसला बनाते रहना, अंदर बच्चे रहना, उनके स्पाउस रहना, ये हमेशा चलता ही रहता है। तो ये लेने का आज मेरा ख्वाहिश था, लेकिन नहीं लग रहा है कि आज मैं ले पाऊँगा, लेकिन कोई बात नहीं है क्योंकि ये लोग हमेशा यहीं पर रहता है, मैं कभी भी आके ले सकता हूँ। और अभी चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा चलेंगे और देखेंगे आगे भी बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स के एक्टिविटीज़ बहुत मिलते हैं, जैसे रेड मुनिया हो गया, ट्राई कलर मुनिया हो गया, किंगफिशर हो गया, इंडियन रोलर भी हो गया, ये सब के मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा देर रुकते हैं और क्या क्या एक्टिविटी कुछ होता है देखते हैं, उसके बाद आगे अपन चलेंगे।
अभी हम रास्ते से जा ही रहे थे और तुरंत हमारे सामने से इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो है क्रॉस करके बैठा है, तो इसलिए मैं धीरे से आवाज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर पे खड़ा हूँ। विजिबल बहुत अच्छी तरह से है और आपको दिखाता हूँ उसका वीडियो, क्या मस्त का नज़ारा है और बढ़िया से आवाज़ कर रहा है। चलो आपको दिखाता हूँ पहले मैं। हॉर्नबिल को उठाने के बाद मैं जब रास्ते पे जा रहा था, मुझे हालांकि ये पता था कि पानी का एरिया वाटर बॉडी एरिया है और छोटा छोटा पॉन्ड जैसा है, तो यहाँ पर किंगफिशर के विजिबिलिटी भी हो सकते हैं। एंड गेस व्हाट, सामने ही किंगफिशर रहा और करीब मैं 5 मिनट हो गया इसके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा हूँ और कई अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी निकाल लिए हैं और फ़ोटोज़ भी अच्छे खासे मिले हैं। बाकी किंगफिशर को हमेशा ना आपको एक्टिविटी के साथ अगर लेना है शॉट तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर 3 पोजीशन चेंज कर रहा है, तो पहले पे पोजीशन पे अगर लॉक करके रखता हूँ तो हमेशा वो दूसरी तरफ चले जा रहा है, तो अब देखो फिर से निकल गया है वो। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि अगर आप किंगफिशर को शॉट ले रहे हैं तो बहुत ही पेशेंस के साथ लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं जो कि किंगफिशर को अपना मेन ऑब्जेक्टिव बना के उनके बहुत सारे हैबिटेट और उनके एक्टिविटीज़ को कैप्चर किए हुए हैं। हालांकि एक दिन में मैं नहीं कर सकता ये, हाँ लेकिन मेरा भी एक गोल बन गया है कि किंगफिशर का उसका एक्टिविटी के साथ, किलिंग के साथ, ईट करते खाने के टाइम के साथ ऐसा फ़ोटो लेने का मन मुझे भी बहुत करता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इसका वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बाया वेवर्स के बारे में, वो पसंद करते हैं डेट्स के पेड़ या फिर पाम के पेड़ में रहना। और लकीली हमें ऑन द वे टू अपने रास्ते पे जब जा रहे थे फ़ोटोज़ लेते हुए, तो एक पाम ट्री मिल गया और वहाँ पर बहुत सारे हमें बाया वेवर्स मिल गए और उनके जो मोमेंट थे वो खेल कूद कर रहे थे और एक पेड़ से दूसरे पेड़ जंप कर रहे थे, वो देखने लायक था। Thank you.
आज बहुत दिनों बाद बर्ड्स के हैबिटेट पे आके बहुत अच्छा लगा, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे बर्ड्स के एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होंगे और इतने अच्छे अच्छे शॉट्स भी मुझे मिलेंगे। हालांकि कुछ रैप्टर्स मैंने यहाँ पर पहले देखा हुआ था और उसके पीछे भी थोड़ा लगे, लेकिन बैड लक कुछ मिला नहीं हाथ पे, लेकिन जितना भी मिला आज बहुत ही अच्छा लगा। बाद में हम लोगों ने जो ग्रे हॉर्नबिल है उसके पेयर को भी देखा, लेकिन उसको चेस करते करते वो निकल गया, उसका फुटेज या फ़ोटो हम ले भी नहीं पाए। और नाइट हिरन भी मिला हमें। ओवरऑल कहूँ तो बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और लगे हाथ मेरा Z8 का भी टेस्टिंग हो गया बर्ड फोटोग्राफी में, जो वाइल्ड लाइफ के सेक्शन में रहता है। ऑटो फोकस बहुत ही भयंकर काम कर रहा है। हालांकि मेरा जो लेंस है वो पुराना 200-500 है, F माउंट का लेंस है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में मुझे अच्छा लगा। तो मैं तो पहले मैनुअली बहुत करता था, लेकिन आज ऑटो फोकस भी बहुत बढ़िया काम किया है। आप कमेंट सेक्शन पर बताइए आप किस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं, और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। और अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि ब्लू मून का फोटोग्राफी मैंने कंडक्ट करवाया था, एक छोटा सा वर्कशॉप, एक फ़ोटो वर्क करवाया था अपने संबलपुर के जो फेलो फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ मिलके, बहुत ही गजब का वीडियो बनाया। आप जाके अपना प्यार बरसाइए थोड़ा वहाँ पर जाके। और मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से मेरे वीडियोज़ के जो व्यूज़ हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मैं ये कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरे जो ऑडियंस हैं आप लोग जो हैं आपको शायद उतना टाइम नहीं मिल रहा होगा देखने के लिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट बस ये करूँगा, जब भी टाइम मिले आप मेरे वीडियोस को थोड़ा देख लिया कीजिए, उससे मुझे भी सुकून मिलेगा और मुझे एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं आपके लिए नया वीडियोज़ भी कुछ लेके आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।